We lost! I know we lost, Ryan! Yes! Breakdown of how you're feeling, mate. I'm pretty much speechless, to be honest. I am absolutely devastated. It's just bullshit, man! Not backing up Solskjaer in this in the fucking transfer market. It's fucking bullshit. You have lost the fans tonight. You don't deserve the fans. You don't deserve anything from this. You are nothing. You are a fool and you are a waste of time. Good night. Brilliant. He wins. You look emotional, mate. I'm with you. I'm with you. Go on. Let it out. He wins that ball so much. Brilliant. What? Why are you getting emotional? Why does it upset you? What the fuck are we thinking, you know? It's so fucked up. Some couldn't resist a wee vent. I'm a sore loser, but I'm angry. It became an anxious. Fucking assholes, man. All the fucking way. Good lad. We'll never fucking die. It's hard times right now, but the real United fans are fucking here. Are you fucking kidding me? Are you fucking kidding me? Frustration, frustration. But I hear you. I hear you, brother. I hear you, definitely. And it's just not good enough. It really is not. It's, you don't know. The thing is, as United fans, we've all been spoiled. No, they don't play for the shirt. They're getting paid 300 grand a week. They don't give a shit. They're not asked. They're just useless. They're useless. They don't give a shit. And in it, minutes felt like hours. Tries were disallowed. Kicks missed. But hopes for the All Blacks that line. Is that enough? Because I'm split opinion. I've heard United fans saying he's not good enough. Let's not mess around. Let's be straight to point. We couldn't finish a bag of chips, mate. Yeah. That's what it is. We couldn't. Woodward, stop messing around and get the signings. Is it my money? No. True. It's about than what we got. गम जो है इस खुशी में मिलके जो है गम भूल गए. जय हिंद दोस्तों. भारत ने इंग्लैंड की टीम का बाजा बजा दिया है, उनका घंटा बजा दिया है. आपने लास्ट मैच देखा होगा जहां पर भारत ने इंग्लैंड को सेमीफाइनल T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है. और इसके बाद इंग्लैंड के लोगों का रोना धोना आप इस वीडियो में देखेंगे, किस तरह से ये रो धो रहे हैं. और दुख तो होता ही है. इसी को लेकर आज इस वीडियो में हम रिएक्शन देखने वाले हैं, किस तरह से इंग्लैंड वालों का रोना धोना चालू हुआ है. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, बस भाई एक पांव पे खड़े होके सलूट है भाई हिंदुस्तान की टीम. इंग्लैंड की तो सूझ गई, वो गपूरे मपूरे जाबीर जाबर गपूर वो भी सब गायब हो गए थे. उसको सेलिब्रेट कर रहे थे और उसको बढ़ावा दे रहे थे. Sad for all the boys. I think they did really well. But no, we've done well. We were semi-finalists last time, finalists this, we will win it. इंडिया ने इंग्लैंड का पकड़ के घंटा बजा दिया, छनकना बजा दिया, बाजा बजा दिया. और इंग्लिश मीडिया ने एज यूजुअल रोना शुरू कर दिया. ये वो गोरे हैं, ये वो इंग्लैंड वाले, ये फुदड़ लोग हैं. ना पेल दिया आपको, बजा दिया आपका छनकना, आपका घंटा. और ये दोनों चीजें तो देखो बजती हैं, लेकिन जब कोई टीम बहुत अच्छा खेलती है तो घंटा और छनकना बजाती है. लेकिन जब बहुत कोई टीम अच्छा खेलती है तो फिर क्या बजाती है? फिर बाजा बजाती है आपका. कोई तमीज होती है, कम से कम क्रिकेट की तारीफ करना तो सीख लो ना. अब आपने रोना शुरू कर दिया. वो इंग्लिश मीडिया रो रहा है भाई, वो आर्मी वो पता क्या कह रही है जी, इंडिया ने चीटिंग की है. मतलब चीटिंग की है क्या? चीटिंग की है क्या जी? अंपायरिंग गलत हो रही है. ये चीटिंग है जी, अंपायरिंग गलत हो रही है. बेटा एक ही अंपायर, दो अंपायर खड़े होते हैं, वो भी उतनी और बहुत ज्यादा ऐसे डिसीजन है जो इंडिया के हक में भी नहीं गए. बड़े ज्यादा ऐसे डिसीजन है जो इंडिया के हक में भी नहीं गए. अपनी हार को मानो ना. कल तक आप वही इंग्लैंड थी जो कि जीत रही थी, पर आज ऐसा क्या हुआ है कि आप तो जी काया पलट गई है और आप लेट गए हो. वो तो अबू है, वो तो मुझे पता है अबू है. तेरा भी अबू है वो, तू तेरी क्रिकेट का भी अबू है वो. क्रिकेट बेसिकली गुरु ने रही है, लेकिन क्रिकेट का अबू बेसिकली वो है. ठीक है, और तुम सारे बच्चे हो उसके. ये इंग्लैंड है, ये इंडिया पकड़ के आपको बजा दिया. बेटा आप उस इंडिया के साथ पंगा ले रहे हो जिसको ऑस्ट्रेलिया ने 36 साल उठ गया था एडलेट में, और फिर उसी ऑस्ट्रेलिया को उसी घर में उसके गाबा में
गेल दिया था पकड़ के, पेल दिया था पकड़ के, बजा दिया था घंटा उनका। पुत्र ये पाकिस्तानी है, दिस इज नॉट पाकिस्तान। Do you know what? For the first time, I've watched England and I've not wanted to turn it off. It's been an enjoyable watch. हिंदुस्तान की टीम ने ऐसा बजाया बाजा इंग्लैंड का कि वो ये कभी भूलेंगे नहीं। एक तो देखे, दो तरफ से जो है वो उनकी बेइज्जती हुई। सबसे पहले तो हार हुई है, हार तो हो नहीं थी। दूसरी बात, जो लंबी पुस्की मारी थी वो पुस्की भी जो है उल्टा लेनी पड़ी भाई। ऊपर वाले उठा ले रे, उठा ले ऊपर वाले। इतनी टीमों को फेल के आया और यहां इसका कचरा बन गया भाई। गम जो है इस खुशी में मिलके जो है गम भूल गए भाई। बहरहाल कॉन्ग्रेचुलेशन, वेल डन, काफी ज्यादा अच्छा लगा। और स्पेशली ये मैच तो जीतना ही था, लेकिन जीतना काफी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जब जब सामने टीम लंबी पस्की मारेगी उस टीम का घमंड तोड़ना काफी ज्यादा जरूरी है। और ये इंग्लैंड की आदत है कि वो हमेशा मैच से पहले बड़ी पुस्की मारते हैं, मैच के बाद बहाने करते हैं। अब पता नहीं कि ये कौन सा बहाना बनाएंगे। बहाना तो कोई भी नहीं बनता इनका कि ये बहाना बनाएंगे, लेकिन सुझाई मस्त है हिंदुस्तान ने। इस टीम को देखकर हिंदुस्तान के आगे मैं दोबारा रिपीट करके बोल रहा हूं, हम फिर भी अच्छा लड़े हिंदुस्तान की टीम के साथ। भाई दुनिया के जबरदस्त टीम है हिंदुस्तान की टीम, नहीं आदम खोर है भाई। लोगों को खा रहे हैं, खिलाड़ियों को चबा रहे हैं, हड्डियां खा रहे हैं भाई, गोश्त मांस काल सब खा रहे हैं भाई। क्या कर रहे हो यार, ऐसा नहीं करो, थोड़ा रहम करो यार। लोगों से मैच तो जीत रहे हो, जिंदगियां भी बर्बाद कर रहे हो भाई, क्रिकेट कैरियर पे दाग लगा रहे। दोस्तों आपने ये वीडियो देखा और इंग्लैंड के लोगों का रोना धोना देख लिया होगा। इट्स बुलशिट मैन, इट्स बुलशिट। तो इस तरह के वर्ड्स यूज कर रहे हैं, गंदे गंदे वर्ड जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं, ये भी अपने खिलाड़ियों को काफी आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल भारत ने पिछले T20 वर्ल्ड कप में जब इंग्लैंड ने भारत को हराया था उसका बदला लिया है और भारत ने सारा हिसाब किताब बराबर कर दिया है। और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को बाहर किया था और इस मैच के बाद इंग्लैंड सेमीफाइनल से आउट हो चुका है। वहीं अगला जो मैच होना है साउथ अफ्रीका के साथ, और साउथ अफ्रीका की किस तरह से धुनाई होगी देखने लायक होगा। भारत ने अभी तक जो भी मैच हुए हैं पाकिस्तान को छोड़कर लगभग 150 से ऊपर के ही रन बनाए हैं, और इसके बावजूद भी ये टीम्स जो दुनिया की बहुत बड़ी टीम कही जाती हैं ये स्कोर नहीं कर पाई। भारत का हर एक ऑर्डर सही तरीके से काम कर रहा है। अगर टॉप ऑर्डर खराब हो जाता है तो मिडिल संभाल लेता है, मिडिल खराब होता है तो जो लास्ट का ऑर्डर है वो उसे संभाल लेता है। तो इस तरह से एक कॉम्बिनेशन बना हुआ दिख रहा है और भारतीय टीम काफी स्ट्रांग दिख रही है। हम तो बहुत खुश हैं, पूरी भारत के लोग खुश हैं। भारत में क्रिकेट को एक त्यौहार की तरह देखा जाता है। आप देखते हैं भारत में दीपावली, ईद, दशहरा या फिर क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है, तो उससे भी ज्यादा कहीं क्रिकेट को सेलिब्रेट किया जाता है। रोहित शर्मा ने जिस तरह से कप्तानी संभाली है, जिस तरह से लगातार ये मैच जीतते आए हैं, ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कप भारत की झोली में ही गिरने वाला है। दोस्तों आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा, और पाकिस्तान को इससे कितनी मिर्ची लगी होगी ये भी बताइएगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं या फिर प्लेयर्स हैं वो सारे अब अंडे सेक रहे हैं घरों में, और कईयों के खिलाफ तो फतवा भी जारी हो चुका है। आपके जो भी विचार हो, जो भी शब्द हो, जरूर कमेंट में रखिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।